गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुधाकर सर एंड टुडे आई टीच यू क्लास 7 मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के सॉल्यूशंस पढ़ाए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा, जिनमें 5 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। क्या बोलता है? फाइंड द होल क्वांटिटी, फाइंड द होल क्वांटिटी, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। ए नंबर क्वेश्चन इसमें यह दिया है 5% ऑफ इट इज 600। अब इसमें सबसे ज्यादा बच्चे इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि इसमें यह बोल रहा है कि 600 का 5% निकालना है और वो 600 का 5% निकालने से चल देते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझते नहीं है। इसमें लिखा फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, आपको इसमें संपूर्ण क्वांटिटी निकालना है। 5% ऑफ इट इज 600, मतलब किसी नंबर है, कोई भी नंबर है, कुछ भी, कोई भी चीज है, उसका 5% हमें 600 मिल रहा है। जैसे आपने अगर एग्जांपल के लिए चावल ही ले लिया, अगर आपने बहुत सारा चावल लिया, मान लीजिए 12,000 ग्राम चावल ले लिया, अब 12,000 ग्राम को हम क्या बोलते हैं, 12 किलोग्राम, ये आपको मालूम है। अब 12,000 ग्राम चावल ही ले लिया, 12,000 ग्राम चावल का 5% 600 ग्राम होगा, लेकिन इसमें हमें बोला है कि 600 हमारे पास है और जो क्वांटिटी है वो हमें मालूम नहीं है कि क्वांटिटी कितनी है, उस क्वांटिटी को हमें निकालना है। तो इसमें आप 600 का 5% ना निकालने लगेगा, आपको क्वांटिटी निकालना है इसमें कि कितनी क्वांटिटी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं सॉल्व 5 का ए। इसमें लिखते हैं लेट अस अ नंबर एक्स, लेट अस अ नंबर, क्या ले लिया, इक्वल टू एक्स, और एक्स ऑफ 5%। अब देखिएगा एक्स ऑफ 5% इक्वल टू क्या होगा, 600, मतलब कोई भी नंबर हमने ले लिया है एक्स, और उस एक्स का 5% क्या हो गया हमारा 600। तो एक्स इंटू 5% को हम लिख सकते हैं 5/100, जो आपको मालूम है, इक्वल टू यहाँ पे हो गया 600। अब 5/100 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो 1/20 मिला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 20, एक्स में 1 का मल्टीप्लाई हुआ, एक्स बन गया एक्स और 20 इक्वल टू 600। अब आप देखिए 20 जो है वो किस में है, डिवाइड में है, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 600 × 20। तो क्या मिलेगा आपको, एक्स इज इक्वल टू 600 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 12,000। तो हमें क्वांटिटी क्या मिली बच्चों, 12,000। क्या मिली क्वांटिटी, क्या मिली 12,000। और ये 5 का सॉल्यूशन हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हुआ कि हमें क्वांटिटी क्या मिली, 12,000 मिली। फिर इसके बाद आपको दिया है बी नंबर में 12% ऑफ इट्स इज रुपी 1080, कहता है कितने रुपी का 12% 1080 होगा। तो आप एक्स का 12% निकाल लेंगे तो 1080 आ जाएगा। अब 12% को आप क्या कर सकते हैं कि डिवाइड कर सकते हैं, 2 से हो जाएगा, तो 2 या आपका 12 हो जाएगा, 52 या 100 हो जाएगा, तो 6/50 आ गया। और आप 3 से भी कर सकते हैं, 3/4 = 12, 25/4 = 100, 3/25 आ गया। आप 25 का क्या करेंगे, 1080 मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1080 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1080 में जब 3 का डिवाइड करेंगे तो 36 × 3 = 108 आता है, आपको मालूम है। और 36 × 360 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25,000, 25 × 150, 25 × 75, और 50 कितना मिल गया,
4000। देखिए इसको सॉल्यूशन पहले। अब तो बी नंबर में आपका क्या है, बी नंबर में आपको क्या मिला है, 12% ऑफ इट इच रुपी 1018। 12% ऑफ इट इच रुपी 1018। यहाँ पे लेटर्स है, रुपी ले लेंगे, हमें कुछ नहीं मालूम रुपी कितना है, रुपी मालूम नहीं है तो क्या करें, रुपी एक्स लिख दे। और क्या आप किसका एक्स आप कितना लिखेंगे आप यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12% आप यहाँ लिखेंगे एक्स ऑफ 12% कितना लिख देंगे रुपी, यहाँ पे क्या लिखते थे एक्स लिखना, तो यहाँ पे कितना आया 1018। अब एक्स इंटू 12/100 इक्वल टू 1018। 3 से कट करेंगे, 3 4 12 सॉरी 4 3 12 4 से कट करेंगे, 4 3 12 और 25 4 100 एक्स इंटू 3/25 इक्वल टू 1018। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये 3/25 है, जब इसका ट्रांसपोजिंग होगा तो ये सीक्वेंस जो है वो बदल जाएगा, तो ये 25/3 हो जाएगा और आप इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 3 9 1 9 3 6 18 360। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 360 × 25 मल्टीप्लाई कर दे एक्स इक्वल टू 2500 2560 जा कितना होगा 150 का जीरो कैरी आप 15 25 3 जा कितना होगा 75 75 और 50 कितना हो जाएगा 90, तो 9000 रुपीज आंसर। तो क्या मिल गया हमें 9000 फाइव का बी नंबर क्वेश्चन। फिर ऐसे सिक्स नंबर में इसमें बोलता है कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन, कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो फ्रैक्शन इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। कहता है ये जो परसेंटेज है उसे डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो फ्रॉम द सिंपलेस्ट फॉर्म, और उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हल करना। तो आप इसका 5 C&D करिएगा, मैं आपको करा रहा हूँ आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन, दिए गए परसेंटेज यानी कहता है कि दिए गए परसेंटेज को आपको डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है, एंड आल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, एंड आल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। ए नंबर में जैसे आपको क्या मिला है 25%। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व ए, 25% को आप क्या लिखेंगे, 25% लिखा, जब सॉल्व ए करेंगे 25% इक्वल टू 25/100। अब 25% था तो 1/100 को परसेंटेज लिखते, इसको आपको मालूम है। अब इसको 25/100 को पहले हम फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में 25 बन जाए 25
और 25 को 100, 25 से 25 कट गया, आपका मिला कितना 1/4। 1/4 को जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे, 0.25। ये आंसर डेसिमल फॉर्म में। बी नंबर में जैसे लिखा है 150%, क्या लिखा है 150%। तो बी नंबर में क्या लिखा है 150%, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे सॉल्व 6b, तो 150% है, तो इसको आप लिख सकते हैं 150/100। पहले 150% लिखते हैं, इसको लिखेंगे 150/100। अब आपका 0 से 0 कैंसल हो गया, 10 से डिवाइड कर दीजिए आप इसे 15 को, 1.5 आंसर। फिर आपका क्या है सी नंबर में 20%, 20/100, 1/5, 0.2, 5% का 5/100, 1/20, 0.05 कंप्लीटेड। इस तरह आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आज की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 के क्वेश्चन। तो आज की क्लासेस हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।